आपने अब तक एक दिन का सीएम और एक दिन का पुलिस कमिश्नर तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं एक दिन की प्रिंसिपल के बारे में। जी हाँ, एक दिन की प्रिंसिपल। दरअसल खंडवा के उत्कृष्ट विद्यालय में छात्रों को मोटिवेट करने के लिए ये नवाचार किया जा रहा है, जिससे छात्रों में पढ़ाई की लगन और एक स्वस्थ प्राप्त योग्यता में बढ़ोतरी हुई है। स्कूल के प्राचार्य का मानना है कि ऐसा करने से छात्रों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है, इसलिए तिमाही परीक्षा में पूरे स्कूल ने टॉप नंबर लाने वाली छात्रा को एक दिन का प्रिंसिपल बनाया है। उत्कृष्ट विद्यालय में शनिवार को एक छात्रा को एक दिन के लिए प्रिंसिपल बनाया गया। एक दिन के लिए बनी प्रिंसिपल छात्रा 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली हर्षिता विश्वकर्मा है। हर्षिता ने तिमाही की परीक्षा में क्लास में टॉप किया, इसलिए स्कूल प्रबंधन ने इन्हें एक दिन का प्रिंसिपल बनाया। स्कूल प्रबंधन ने ये नवाचार छात्र छात्राओं को प्रेरित करने के लिए किया, जिससे सभी छात्र अच्छी पढ़ाई कर अच्छे नंबर से पास हो। हर्षिता के एक दिन के लिए प्रिंसिपल बनने पर परिजन बहुत खुश हैं। उत्कृष्ट विद्यालय खंडवा में एक दिन के लिए तिमाही परीक्षा में प्रथम आने पर एक बालिका को स्कूल का प्राचार्य बनाया गया। प्राचार्य बनकर छात्रा ने झंडा फहराया, प्रार्थना में बतौर प्राचार्य शामिल हुई और क्लासरूम का निरीक्षण कर बच्चों और शिक्षकों से बात कर उनको आने वाली समस्या को जानने का प्रयास किया। हर्षिता के पिता वासुदेव विश्वकर्मा सामान्य परिवार से है। पिता ऑटो चलाकर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं और बच्चों को शिक्षा दिलवा रहे हैं। हर्षिता 12वीं में इतना उम्दा परफॉर्मेंस दे रही है। एक दिन के प्राचार्य बनने पर पिता इसका श्रेय स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों को दे रहे हैं। अपनी बच्ची के प्रिंसिपल बनने पर गर्व महसूस कर रहे हैं। वर्तमान प्राचार्य रमेश कुमार सिंह का कहना है कि हमने नवाचार करते हुए तिमाही परीक्षा में 91% लाने पर एक दिन के लिए प्राचार्य बनाया है। बच्चों के बीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा होती रहे, हमने स्कूल में यह घोषणा की थी कि जो बच्चा परीक्षा में प्रथम आएगा उसे एक दिन के लिए प्राचार्य बनाया जाएगा। हर्षिता ने 12वीं में प्रथम आई तो उसे आज एक दिन का प्राचार्य बनाया गया है। आने वाले दिनों में 11वीं, 10वीं और 9वीं में प्रथम आने वाले छात्र छात्राओं को प्राचार्य बनाया जाएगा। इसका विषय है कि मुझे इस पद पर बैठने का मौका मिला है, ये सुअवसर है। यह अवसर हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। मैं अपने दायित्व को बहुत ही अच्छी तरह से निभाना चाहूंगी कि किस प्रकार हमारे प्रिंसिपल सर इतनी सारी गतिविधियां कराते, इतने सारा बोझ उनके ऊपर रहता है, वो उसे संभालते हैं, तो मैं भी उसी प्रकार से पूरे विद्यालय का आज दायित्व संभालना चाहूंगी। 12 की त्रैमासिक परीक्षा की टॉपर कुमारी हर्षिता विश्वकर्मा आज हमारे स्कूल में ऐसे प्राचार्य के रूप में कार्य कर रही हैं। ये बच्चों में अपने शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए एक किया गया साला परिवार की ओर से एक नवाचार है, जिससे बच्चे प्रेरित हों ताकि वे भी उन्हें भी जब वे अर्धवार्षिक परीक्षा दें और उसके बाद वे टॉपर हों तो उन्हें भी एक दिन के लिए प्राचार्य पद पे कार्य करने का मौका मिलेगा। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने नवाचार साला परिवार की तरफ से किया गया है। ये हर्षिता विश्वकर्मा पूरी तरह से कक्षा 12 की टॉपर है ही है, साथ में इस संस्था की एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है और उसके इस प्राचार्य पद पे कार्य करने के कारण उन्हें पूरी दिन भर की समस्त एक्टिविटी, यहाँ तक कि प्ले होस्ट से लेकर के कक्षाओं का मॉनिटरिंग करना, सलामी लेना, समस्त कक्षाओं का निरीक्षण करना, आज के जितने भी है सूचना वगैरह निकालना, जो मीटिंग्स लेना, वे सब आज इन्हीं के दायित्व के साथ में होगा और मैं ऐसे आज इनके वाइस प्रिंसिपल के साथ में रूप में काम करूंगा। और इस प्रकार से कुमारी विश्वकर्मा के इस कृत को देखते हुए अन्य बच्चे अवश्य प्रेरित होंगे और आने वाले समय में हम लोग चाहेंगे कि अधिक से अधिक बच्चे टॉप करके बहुत ज़्यादा स्कोर करें और उत्कर्ष विद्यालय का रिजल्ट और परीक्षा परिणाम बेहतर से कई गुना बेहतर आए। हमारे उत्कर्ष विद्यालय में विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज साल भर कराई।